तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, 14 से 20 साल की जो लड़कियां होती है, इन्हें सच्चा प्यार बहुत कम होता है। इसलिए अगर आप इन्हें प्यार ना कर फंसाना चाहते हो या पटाना चाहते हो तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस एज की किसी लड़की से सच्चा प्यार कर बैठते हो तो समझ जाओ, क्योंकि हम और आप होते हैं कच्चे खिलाड़ी। लेकिन जो लड़कियां होती है वो 14 से 20 की हो या 20 से 27 की हो, वो होती है हैवी ड्राइवर, जो प्यार नहीं बल्कि सीधा वो करती है जो आप अंदर ही अंदर समझ रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको 14 से 20 साल की लड़कियों को पटाने के, फंसाने के और सेट करने के कुछ काम करने वाले प्रैक्टिकल मेथड्स बताने वाले हैं। लेकिन ये बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया पर फोकस करो। अगर आपको कोई 14 से 20 साल की लड़की जानती है और वो आपके एरिया में रहती है, या वो आपको खाली नाम से जानती है, तो ऐसी लड़कियाँ सोशल मीडिया पर अपने जानने वाले लड़कों के प्रोफाइल को चेक करते रहती है। भले ही उनके पास फ़ोन ना हो, लेकिन वो अपने मॉम के फ़ोन से, अपने डैड के फ़ोन से अपने जानने वाले लड़कों के प्रोफाइल को अक्सर चेक करते रहती है। और जिन लड़कों के प्रोफाइल पिक और अकाउंट के अंदर जो पिक्स होती है वो अगर लड़की को अट्रैक्टिव लगती है, तो यहाँ से लड़की का उस लड़के में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद लड़की उससे सेट ही होना चाहेगी, नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, शुरुआत हो गई, तो यहाँ से वो शुरुआत हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, लड़की को नीडी लगो। 14 से 20 साल की लड़कियों को अगर आपको फंसाना है तो उसे आपको नीडी लगना होगा। इस बात में बहुत वजन है दोस्तों, इसको ध्यान से दिमाग में डाल लेना कि इस एज की लड़कियाँ सिर्फ उसी लड़के से फंसती है जिसके पास उन्हें स्पेस दिखता है। तो लड़की को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी कोई भी जेब नहीं है, और ये लड़की को तभी दिखेगा जब आप उसे नीडी लगोगे। अगर लड़की को लगेगा कि आपका पहले से ही किसी से सेटिंग है तो फिर वो आपसे सेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे आई कॉन्टैक्ट करते रहोगे और पुश पुल टेक्निक की हेल्प से आई कॉन्टैक्ट करते रहोगे, तो इससे लड़की को इस चीज़ का एहसास होगा कि आप नीडी हो। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ सिर्फ 14 से 19 20 साल वाली लड़की पर ही काम करेगा, तो ध्यान रख लेना इस चीज़ का। पॉइंट नंबर 3, वर्क योर पर्सनैलिटी। इस एज की लड़कियों का आपने देखा होगा कि ये लड़की अपने जानने वाले लड़कों से कम सेट होती है और बाहर के लड़कों से ज़्यादा सेट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये लड़की अपने एरिया के लड़कों से सेट होने लग जाएगी तो उन्हें इस चीज़ का डर होगा कि इनके रिलेशनशिप के बारे में इनके घर में जल्दी पता चल जाएगा और इनके अड़ोस पड़ोस में फालतू की अफवाहें फैलने लग जाएगी। लेकिन अगर लड़की बाहर किसी से सेट होगी तो उसके अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी कि उसकी सेटिंग बाहर किसी लड़के से चल रही है। लेकिन यहाँ अगर आप अपने पर्सनैलिटी पर काम कर लेते हो, अपने पर्सनैलिटी को अच्छा कर लेते हो, तो आपका चांस बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, लड़की अगर अपने बंदे से बोर होती है या उसका बंदा उसके मुताबिक टाइम नहीं देता उसे, या फिर लड़की का अपने बीएफ के साथ में ब्रेकअप हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस लड़के के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अपने एरिया के लड़की को सेट करने के, जिसके लुक्स अच्छे होंगे और जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 4, लड़की को भाव दो। 14 से 20 साल की जो लड़कियाँ होती है, ये केवल उन्हीं से पटती है जो इन्हें भाव देते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी, अगर आप इस एज की लड़कियों को भाव देते हो तो वो भी आपको बराबर भाव देने लगती है। इसलिए 14 से 20 साल की लड़की को पटाने से पहले बहुत ज़रूरी है उसे भाव देना। ये लड़कियाँ 20 प्लस लड़कियों की तरह नहीं होती। 20 प्लस लड़कियों को अगर कोई लड़का भाव देता है तो वो उल्टा भाव खाने लग जाती है। लेकिन 14 से 20 साल की जो छोटी लड़कियाँ होती है, वो आपके भाव देने के बाद आपको बराबर भाव देने लग जाती है, अगर वो आप में इंटरेस्टेड होती है तो। और यही यहाँ पे समझने और पकड़ने वाली बात है, अगर लड़की आपके भाव देने पर भाव देती है तो फिर वो आपसे सेट होना चाहती है। लेकिन अगर लड़की आपके भाव देने पर भाव नहीं देती है, आपको इग्नोर करती है, भाव खाने लगती है, तो समझ लेना वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड द लास्ट नंबर 5 है, चुपचाप पटाओ। यंग लड़कियाँ हो या मेच्योर लड़कियाँ, किसी भी एज की लड़की को आपको पटाना है तो आपको उसे इंडिविजुअल और चुपचाप पटाना होगा। जितना आप लड़की को अपने दम पर पटाओगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे लड़की के आपसे पटने के। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प लोगे तो लड़की आपसे सेट नहीं होगी, लेकिन आपकी फालतू की बदनामी जरूर हो जाएगी और साथ ही लड़की की नज़र में आपकी इज्जत भी गिर जाएगी। लेकिन अगर आप लड़की को पटाने का जिम्मा सिर्फ अपने ही कंधों पर रखते हो, वो आपसे ही सेट होना चाहती है और आप भी उसे सेट करना चाहते हो, ये बात बिल्कुल गोपनीय रखते हो, तो लड़की आपसे चुपचाप ही सेट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लड़की को चुपचाप पटाने वाली बात पर जोर दो, एक नहीं पटेगी तो दूसरी पटेगी, और दूसरी नहीं पटेगी तो तीसरी हरगिज पटेगी। तो ये 5 पॉइंट हैं जो 14 से 20 साल की लड़कियों को पटाने में सबसे ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।